तो आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है कि हाउ टू ड्रॉ स्किन विद टॉम्स कलर पेंसिल। तो आपको जो कलर पेंसिल से है, कैसे स्किन ड्रॉ कर पानी है, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैंने अभी इतना फेस ड्रॉ कर रखा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले डाल दी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलते हैं हमारे स्केच की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्किन कलर की एक लेयर ऑप्ट की है, जो हमारा लाइटेस्ट कलर रहता है हमारे पास। और उसके बाद जो मैंने एक पिंक कलर यूज़ किया है सेकंड लेयर, तो आपको जो है पेंसिल को बहुत ही ब्लेंड पीछे से पकड़ना है, ताकि आपकी जो कलर है वो अच्छे से ऑप्ट हो पाए। तो उसके बाद मैंने ब्राउन कलर लिया, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल पेंसिल को जो है उसके बैक एंड से पकड़ा है, और हल्के हल्के मैं उस पर ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली लेयरिंग का प्रोसेस है। तो जैसे जैसे आप लेयर ऑप्ट करते जाएंगे, तो आपके जो अगर हाइपर रियलिस्टिक आप अगर बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही लेयर बाय लेयर प्रोसेस करना होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी रियलिस्टिक जो है यहाँ पे लुक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मेरे को आपको रेफरेंस फोटोग्राफ लगातार चेक करनी पड़ेगी गाइस, उसी के हिसाब से आपको जो है कलर पिक करना है। आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सा कलर आपको ज़्यादा मेजर कर पा रहे हैं, और उसको उसके हिसाब से आपको कलर उस पर ऑप्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कलर ऑप्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं हल्का हल्का जो आपको क्या है, ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर यूज़ करेंगे तो कलर पेंसिल में बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर मिस्टेक कोई हो जाती है, तो आप उसे सही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो आपको हमेशा लाइट जो के पार्ट से ड्रॉ करना है, हल्के हाथ से जो है कि उसकी एक लेयर ऑप्ट करनी है, ताकि आप उसको बाद में करेक्ट भी कर पाओ। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई करके कोई अगर डार्क कलर आपने ऑप्ट कर दिया, तो उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको ये जो क्रीज देनी है, रिंकल्स वगैरह हैं ड्रॉ करने हैं, तो वहाँ पर आपको ब्राउन कलर्स का जो सबसे पहले आप लाइट कलर का यूज़ किए, उसके ऊपर आपको जो है डार्क कलर का यूज़ करना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, तो यहाँ पे मैं इरेज़र का एक ये मैंने पीस लिया हुआ है, मेरे पास टॉम्बो इरेज़र नहीं है, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो मैं ये इसको बेसिकली हाईलाइट देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को लगता है रेफरेंस फोटोग्राफ में कि हाईलाइट है, तो वहाँ पर मैं इसके हल्के हाथ से इसको रब कर पा रहा हूँ। तो आप रब भी तभी कर पाएंगे अगर आपने जो कि पेंसिल है, कलर पेंसिल है, उसको हार्डली उस पर ऑप्ट नहीं किया है, मतलब कि उसकी लेयर जो आपको हार्ड प्रेशर से आपने नहीं चलाया, तो ही आप इसको वहाँ से हटा पाएंगे, इरेज कर पाएंगे। अगर आपने वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर से ड्रॉ कर दिया है, लेयर ज़्यादा प्रेशर लगा के आपने एक लेयर डाल दी है, तो आप उसको मुश्किल से ही हटा पाएंगे, क्योंकि ये चीप कलर पेंसिल है। ये बेसिकली 100 रुपीज़ की पेंसिल है। अगर आप प्रिज्मा कलर और फैब्रिकासल पॉलीक्रोमस की रेंज में जाएंगे, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि वो जो है इरेज हो जाती हैं काफ़ी इजीली, लेकिन चीप कलर पेंसिल की एक लिमिटेशन होती है गाइस। तो आप इसको इरेज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लाइट से, अब मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप लाइट कलर का यूज़ करें सबसे पहले, और लेयर बाय लेयर जो आपको उसको ड्रॉ कर पाएँ। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं इसी इरेजर का यूज़ करके भी हमेशा इसी टुकड़े का यूज़ करके, इरेजर का एक पार्ट मैंने कट कर लिया था ब्लेड से, तो इसी का यूज़ करके मैं यहाँ पर अपने हाईलाइट्स भी दे रहा हूँ। तो गाइस, रियलिस्टिक ड्राइंग करने में वाइट जेल का पेन का यूज़ भी होता है। तो वाइट जेल पेन का यूज़ यहाँ पे मैं मस्टैक और बियर्ड में करने वाला हूँ, और बेसिकली आइज़ के जो डार्क एरिया के पास जो हाईलाइट हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा। तो रेड कलर का भी आपको यूज़ करना है। स्किन कलर को आपको बेसिकली टेक्स्चर को समझना होगा कि आपको बिल्कुल ही अगर एक वाइटिश टोन जो दिखती है अगर स्किन कलर में, तो आपको बेसिकली क्या होगा, स्किन कलर जो आपको डोम्स कलर पेंसिल में इजीली मिल जाएगा, उसकी एक लेयर, और उसके बाद जो हल्की जो बिल्कुल लाइट पिंक कलर है उसकी सेकंड लेयर, और उसके बाद को उसको वाइट कलर पेंसिल जो है आपको ब्लेंड करना है। अगर आपको लगता है कि स्किन टोन यहाँ पे इस रेफरेंस फोटोग्राफ की स्किन टोन थोड़ी डार्क है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बेसिकली 4 कलर यूज़ किए हैं। सबसे पहले स्किन कलर यूज़ किया है, उसके बाद पिंक कलर, और उसके बाद रेड कलर की एक लेयर दी है, और आखिर में उसको मैंने स्किन कलर से ही ब्लेंड किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डार्क जो है स्किन टोन चाहिए। अगर आपको लाइट स्किन टोन चाहिए, तो आपको उसको वाइट कलर पेंसिल से ब्लेंड करना होगा। ब्लेंडिंग और ब्लेमिशिंग जो आपको करनी है, बर्निशिंग टेक्निक, आप क्रॉस हैचिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बेसिकली उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके स्किन को ड्रॉ करता हूँ। उसमें क्या होता है गाइस, सबसे पहले आपको जो है एक लाइन में मतलब कि स्ट्रोक ड्रॉ करने होते हैं, जैसे कि एक ही डायरेक्शन में पेंसिल का यूज़ करके आपको पूरा एरिया फिल करना पड़ता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसी पेंसिल से
उसके जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप मतलब मान लीजिए कि जिस पोजीशन में अभी मेरा हैंड है इस पोजीशन में आपको स्टॉक लगाने हैं, तो बाद में उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लेयर देनी है। इससे क्या होगा, जो आपके वाइट स्टॉक जो आपके नज़र आएंगे वो नज़र आने बंद हो जाएंगे और इसी से हमारी रियलिस्टिक स्किन का जो टेक्स्चर है वो आता है। तो यार आप वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यार लाइक बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पे। पिछली वीडियो जो मैं डोम्स कलर पेंसिल पे बनाई है उस पे व्यूज़ तो अच्छे खासे हैं, लेकिन लाइक, चलिए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, बाहर हो रही है बारिश। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो यार 2 दिन से मैं लगातार लगा हूँ इसको ड्रॉ करने में, तो काफ़ी बारिश हो रही थी बाहर। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज, तो इतनी बारिश। तो हम चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए मैं क्रॉस हैचिंग का कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक डायरेक्शन में स्टॉक लगाए और उसके बाद मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लेयर दी है, ताकि वो जो वाइट स्टॉक है उसको अच्छे से कवर कर ले। और उसके बाद पिंक कलर की देखिए मैंने सेकेंड लेयर किस तरह से मैं यहाँ पर ऑप्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए गाइज, एंड तक देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। बहुत लोगों को ये डर रहता है कि हम जो के है सस्ती पेंसिल से रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमारे जो के हैं प्रोपोर्शन जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं गाइज। तो अगर आप प्रोपोर्शन के लिए, मैं आप एक अलग से वीडियो बना दूंगा गाइज, आपको गाइड कर दूंगा बेसिकली। जैसे कि मैं अब मैं चीप कलर पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं इसी से आपको बताना इसलिए चाहता हूँ कि आपको जो कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, वो जो के हैं बहुत ज़्यादा महंगी पेंसिल अफोर्ड नहीं कर पाते। इवनली मैं भी नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी पेंसिल का यूज़ करके आपको बताना चाहता हूँ कि आप चीप कलर पेंसिल से भी रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाते हैं गाइज। तो चीप कलर पेंसिल में थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है कि कल स्किन का लेड जो है बहुत सॉफ्ट रहता है, और इसमें आप ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते गाइज। हाँ, क्योंकि अगर आप एक लेयर देंगे उसके बाद सेकेंड लेयर है, तो ज़्यादा आप लेयरिंग जो है इसमें नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको अगर ब्लेंड करेंगे तो वो रिज़ल्ट आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे, वो सिर्फ पॉलीक्रोमस और फैब्रिकॉसिल में ही होते हैं। हाँ, अगर आप जैसे मेरी टेक्निक की यूज़ करके आप ड्रॉ करेंगे तो आप रियलिस्टिक स्किन डेफिनेटली ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में, मैंने कोई अदर जो के पेंसिल इसमें यूज़ नहीं की है, सिर्फ डोम्स कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो 100 रुपीज़ की आते हैं गाइज। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 100 रुपीज़ की पेंसिल है ये। डोम्स की 200 की हेक्सागन शेप की पेंसिल भी आती है, लेकिन नहीं, मैंने इसी से आपको ड्रॉ करके इसीलिए बताया कि काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाएंगे सस्ती पेंसिल से, बिल्कुल कर पाएंगे आप कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। आपको बस प्रोसेस का जो है ध्यान रखना होगा, आपको कलर ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना होगा कि कहाँ आपको लाइट कलर और कहाँ आपको डार्क कलर ऑप्ट करने हैं। आपकी रेफरेंस इमेज को आपको लगातार देखना है, उसको जूम करके देखिए कि कहाँ आपको कलर कौन सा लग रहा है, और उसी कलर को आप वहाँ पे ऑप्ट करिए। अगर लाइट है तो उसको हल्के हाथ से आप ऑप्ट करिए, अगर आपको डार्क लग रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके उसको ड्रॉ करिए, तो आपको रियलिस्टिक जो इफेक्ट है काफ़ी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में अब मैं थोड़ा टाइम लैप्स भी है, टाइम लैप्स इसलिए कि रहे ताकि ये वीडियो आप जो है काफ़ी लंबी ना हो जाए गाइस। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में देखने में भी, लेकिन आप सीख पाएंगे इससे, डेफिनेटली आप सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जो मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो भी ग्रो कर पाएँ और अपने जो आर्ट को है वो इम्प्रूव कर पाएँ। तो मेरा बेसिकली यही मकसद रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करवा दोगे तो ये सब आपके ऊपर ही है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल बना के दिखाता रहता हूँ। अगर आपको ट्यूटोरियल मेरे पसंद आते हैं गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरा एक हार्डवर्क है जो इसको आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे यार सपोर्ट मिल सके। तो आपकी सपोर्ट की इस टाइम हर एक जो आर्टिस्ट है यूट्यूब पे जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, आर्टिस्ट कम्युनिटी को जो है आपको सपोर्ट करें, क्योंकि वो आर्टिस्ट कम्युनिटी है जो हमारी, वो भी बहुत अच्छी है गाइस। अगर आप देखेंगे कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आर्टिस्ट हर एक बंदे को जो है हक है यूट्यूब पे ग्रो करने का, तो आप उसमें अगर थोड़ी सी हेल्प कर देंगे गाइस तो आपका अच्छा होगा यार। तो अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, आप चैनल को लाइक कर दें।
तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख भी पा रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया था ऊपर का जो मैंने फोरहेड ड्रॉ किया था, अब मैं जो है चीक्स की तरफ आ चुका हूँ। तो पिंक कलर का वैसे ही सेम प्रोसेस है गाइज। तो सबसे पहले मैंने जो वही है कि मैंने पेंसिल ली है, वही लाइट कलर वाली स्किन कलर जो डोम्स कलर पेंसिल में आता है उसे एक लेयर दी है। उसके बाद मैं हल्के हाथों से जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पिंकिश जो ग्लो है वो वहाँ पे जहाँ पे पिंकिश ग्लो है तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगा के, और जो हाईलाइट है गाइज देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हाईलाइट मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किन कलर को अप्लाई नहीं किया है, मतलब ये मैंने ऐसे ही वाइट छोड़ दिया है और उसके ऊपर हल्का पिंक कलर लगा के मैंने वाइट कलर पेंसिल से ब्लेंड किया है। तो आप ऐसे हाईलाइट्स ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि हाईलाइट से ही आपकी जो ड्राइंग में इफेक्ट आता है रियलिस्टिक, उसके बिना आप जो अगर करेंगे, अगर आप सारा ही एक जैसे ही ड्रॉ कर पाएंगे कर देंगे, जैसे कि अगर स्किन कलर में यहाँ पे ऑप्ट कर देता और उसी से ब्लेंड कर देता तो ये रियलिस्टिक तो लगता ही नहीं गाइज, ये तो कुछ और ही बन जाता। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके फेस पे हाईलाइट्स हैं, कहाँ से लाइट्स ऑप्ट हो रही है और कहाँ से आपकी शेडोज़ जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपको शेडोज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्केच को अपन कंप्लीट करते हैं। तो आप सीखते रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और यार एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए यूट्यूबर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, मैं अगर इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम आईडी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैं ऐसे ही स्केच डालता रहता हूँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है जो वो मिल सके।
है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जहाँ पे रिंकल्स हैं, अगर रिंकल्स ड्रॉ करने हैं तो फेस का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसी से आता है। तो आपको रिंकल्स जो है आपको वो शुरू में ही लाइटेस्ट कलर से आपको वहाँ पे जो जहाँ पे आपको रिंकल बनाना है वहाँ पे आप लाइटेस्ट जो उसकी एक शेप दे देंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इसको आगे ड्रॉ कर पाने में। तो आपको पोर्शन बाय पोर्शन, जैसे पार्ट बाय पार्ट ड्रॉ करना है, तो मैंने एक सबसे पहले फोरहेड का पार्ट ड्रॉ किया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का ईयर ड्रॉ किया। इस हिसाब से अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको जो के है बिल्कुल ही अच्छे से आप जो फीचर हैं जो फेस के उसको ऑप्ट कर पाएंगे। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे यार रेड कलर है तो वहाँ पे आपको रेड कलर की एक लेयर दे देनी है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी थोड़ा सा लाइट है तो आप एक लेयर उसके ऊपर और दे सकते हैं उसी कलर की। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ लगा था कि थोड़ा सा डार्क और होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है, तो उसकी एक और मैंने आप यहाँ पे एक हाईलाइट किया है, और यहाँ पे ब्लैक कलर है और ऑरेंज कलर का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जहाँ पे लाइट नहीं है, शेडो जो एरिया है वहाँ पे डार्क कलर रहते हैं, और जहाँ पे फेस पे ऊपर लाइट आ रही है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है वो हमारे हाईलाइट्स होते हैं। और जहाँ पे आपको देख रहे हैं आप ऐसे, आपको ऑरेंज कलर का भी यूज़ करना है। और जो मैं हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने हेयर्स ड्रॉ कैसे किए हैं। तो हेयर्स ड्रॉ करना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सिर्फ हेयर्स की डायरेक्शन देखनी है, और आपको हेयर्स की जो है देखनी है कि पैची बियर्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग जो हैवी बियर्ड है उसके हिसाब से आपको देखना। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि पैची बियर्ड है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे पैची बियर्ड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हेयर स्टॉक लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगा ताकि जो आधे हेयर हैं वो हमारी स्किन में ऊपर बिल्कुल हाईलाइट दिखाई नहीं देते लेकिन वहाँ पे हेयर्स रहते हैं। तो उनको बनाने के लिए मैं, आप देख पा रहे हैं कि मैं कैसे एक एक सिंगल सिंगल हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत मेहनत है गाइस। तो चैनल को यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से जल्दी मिल सकें। तो एक लाइक तो यार बनता है प्लीज़। तो चल देखिए वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर है जो उसके बाद मैंने ऑप्ट किया, और वाइट जेल पेन का यूज़ देखिए मैंने यहाँ पे कैसे किया है। वाइट जेल पेन का यूज़ आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने एक सिंगल सिंगल हेयर बनाया गाइस वाइट जेल पेन से, और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर से और ब्राउन कलर से भी हेयर बनाए हैं यहाँ पे। तो सिंगल सिंगल आपको हेयर उसकी डायरेक्शन देखनी है हेयर्स की कि कहाँ पे ब्राउन हेयर हैं, कहाँ पे ब्लैक हेयर्स हैं, कहाँ पे हेयर्स ज़्यादा हैं, कहाँ पे हेयर्स कम हैं, तो उसके हिसाब से आप ड्रॉ करें। तो आपको बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट मिल पाएगा, डेफिनेटली मिलेगा अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे। और वाइट हाइलाइटर जो वाइट पेन आता है जेल पेन वाइट, वो तो आपको मिल जाएगा मार्केट में बहुत ही आराम से, बहुत सस्ता मिल जाता है, उसका आप यूज़ करें। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने फास्ट ड्रॉ इसीलिए किया है, तो आप बेसिकली समझ ही गए हैं कि बेसिकली टेक्निक क्या रहती है इसके पीछे। जैसे कि मैंने यहाँ पे शर्ट भी ड्रॉ की है, तो मैंने हाइलाइट्स जो है उनको पकड़ा है सबसे पहले, और उसके बाद जो है मैंने वाइट जेल पेन से जो ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। और यहाँ पर इसका ब्लू कलर मुझे खास पसंद नहीं आया, ब्लू कलर है जो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा था, तो टी शर्ट का टेक्स्चर भी कुछ ऐसा ही था, तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। और तकरीबन हमारा स्केच बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लुक आ पाई है। तो डोम्स कलर पेंसिल से भी आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखते रहें हमारी वीडियो में साथ, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं ऐसे ही और रियलिस्टिक स्केच आपके लिए लाता रहूं और नई नई टेक्निक आपको बताता रहूं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।